हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है सीमेट की, और आप लोग अपने पास्ट रिजल्ट्स पे अब ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो एक बात मैं वीडियो चालू करने से पहले बता देता हूँ कि लास्ट ईयर भी सीमेट के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें से 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली फॉलो करते थे, ठीक है। तो सोचो टॉप 10 में से 4 स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा रेशियो होता है। तो आप लोग में से भी जितने भी लोग हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उम्मीद है इस बार टॉप 10 में से 4 से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से ही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स अभी भी हमारा सीमेट 300 का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वो अभी भी कर सकते हैं। ओवरऑल 12 वीडियोज़ हैं, हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस हैं, तो 200 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के और 100 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग के। इसमें हमने मैथ्स और एलआर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, सीमेट में इनसे ही आएगा, लाइक कैट में हमारे वीडियोस से ही आए थे, जेट में आए थे, आई एम इंदौर का जो आईपीमेट होता है उसमें भी काफ़ी सिलेक्शन आउट ऑफ 35 9 स्टूडेंट्स का आई एम इंदौर और 13 का आई एम रोहतक में हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद है कि सीमेट में भी आएगा। तो वीडियो के इस एंड में आपको हमारे सीमेट 300 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखेगी, तो आप उसको फॉलो करके परचेस कर सकते हो। जैसे ही आप परचेस कर लोगे Within 1 or 2 hours आपको पूरी की पूरी 12 लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और 20 जनवरी को हम लोग अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जीके की एक पूरी पीडीएफ देंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वो भी पूरे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन चालू कर दें। आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चंस कवर करके लॉजिकल रीजनिंग सीमेट 2019 का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे पूरी की पूरी लिंक्स दी हुई हैं, पिछले जितने भी वीडियो सीमेट के पास्ट ईयर पेपर्स के हैं वो, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, ठीक है। पहला वायलिन, फ्लूट, सेलो, गिटार। फ्लूट ये जो माउथ से प्ले करते हैं हम, है ना, बाकी सब नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्लूट, ठीक। बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं सीमेट के। सेकंड, इन द सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज 613382। देखो पीपी इधर 2 टाइम्स आया था, इधर 33 आ गया, है ना, आर आई पी एल, ठीक है। लाइफ को लिखा है 8192, इधर एल है सेकंड लास्ट में 8, इधर एल फर्स्ट पे 8, मतलब जिस हिसाब से लेटर लिखे गए उसी हिसाब से उनकी कोडिंग है ना। आई इधर सेकंड पे 1 कोड, इधर आई सेकंड में 1 कोड, है ना। एफ उधर नहीं है, एफ का कोड 9 हो जाएगा, ई का कोड 2 लास्ट में, ई इधर भी लास्ट में 2, मतलब जो भी है वही है। तो पिलर का कोड पूछ रहे हैं, पी का कोड क्या था, 3, तो 3 आएगा शुरू में, बी ऑप्शन कैंसिल कर दो। पी आई, आई का कोड क्या है, 1, 3 के बाद 1, ठीक है। एल एल, एल का कोड क्या है, 8, तो 8 8, ठीक है, तो 3188 सिर्फ पहले ऑप्शन में ही दिख रहा था, ऑप्शन 2। आखिरी के 2 भी चेक कर लो, ई का कोड था 2, है ना, आर का कोड था 6, है ना। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन से चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट। एनी स्टूडेंट who follow unethical practices in examination disqualifies himself from the examination, ठीक है। conclusion, those who involve in unethical practices in examination shall be debarred, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, examination system should be improved, दूसरा भी सही लग रहा है। तो थर्ड का आंसर होना चाहिए, दोनों फॉलो हो रहे हैं, बोथ ऑप्शन बी। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ जापान को कोड क्या किया गया, KCSES, ठीक है, कैसल का बताना है। तो देखो J के बाद आता है K, तो C के बाद क्या आएगा, D, फिर A B को छोड़ के C, तो इधर भी A B को छोड़ के C, D C मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन C लगा दूंगा, इन सबको कैंसिल करो, ठीक। एक एक सेकंड के फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, देखो अब P क्यू आर को छोड़ के एस, है ना, तो इधर एस, टी यू को छोड़ के वी होना चाहिए, देखो वी ही है, इच्छा आगे हो रही है तो और चेक कर लो। फिर ए बी सी डी को छोड़ के ई,
बी सी डी तीन छोड़ें तो टी यू वी डब्ल्यू को छोड़ के एक्स होना चाहिए, एक्स सी है ठीक, तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ठीक। अच्छा आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग नेक्स्ट ईयर कैट की प्रिपरेशन करेंगे, आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स करेंगे, तो आप उनको हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है, फिर भी अभी तक सब्सक्राइबर ज़्यादा इंक्रीज हुए नहीं है इसमें ठीक है। बल्कि हमारे चैनल में हम लोगों ने हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फ्री में सॉल्यूशन प्रोवाइड किए ठीक, और काफ़ी अच्छे अच्छे परसेंटाइल भी आ रहे हैं अभी, आई एम से भी काफ़ी बच्चों को कॉल है। तो अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प हो रही है तो अब आपकी भी थोड़ी ड्यूटी है कि आप भी बाकी आगे लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए चैनल के बारे में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज बिलो, 24 प्लस 4 करेंगे तो 28, फिर प्लस 2 करेंगे तो 30, फिर प्लस 4 करेंगे 34, अब वापस से प्लस 2 होना चाहिए तो 36, एक एक सेकंड के, ऑप्शन डी क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने का तरीका देखना है ना, डेटा सफिशियंसी का है, इसमें आप ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी जरूरत नहीं होती, बस आपको ये देखना है कि आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बस ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज दीपा ऑन 30th अक्टूबर 2018, दीपा 30th अक्टूबर 2018 को कितने साल की हो जाएगी ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, दीपा इज 6 ईयर ओल्डर देन हर सिस्टर प्रभा, देखो इससे हम उसकी एज तो बता नहीं पाएंगे, तो फर्स्ट से अभी हम नहीं बता सकते। प्रभा इज 29 ईयर्स यंगर देन हर ब्रदर, देखो देखो दीपा और प्रभा का पहले में रिलेशन दिया हुआ है, दूसरे में प्रभा और उनकी मदर का दिया हुआ है, लेकिन अभी भी हम बता नहीं सकते कि दीपा की एज क्या होगी है ना, किसी एक की तो एज पता हो इन तीनों में से। थर्ड, दीपाज मदर सेलिब्रेटेड हर 45th बर्थडे ऑन July 27th 2018, देखो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि दीपा की मदर की एज क्या है ना, बर्थ कब हुआ था, तो जैसे ही दीपा की मदर का पता चलेगा वैसे ही मुझे प्रभा का पता चल जाएगा, और जैसे ही प्रभा का पता चलेगा वैसे ही मुझे दीपा का भी पता चल जाएगा, या हाँ क्योंकि प्रभा और दीपा में डायरेक्ट रिलेशन है और ये उनकी मदर का, तो तीनों का यूज करके ही मैं बता पाऊंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1, 2 and 3 ठीक। कौन सा क्वेश्चन था ये, 6। सेवंथ देख लेते हैं, फॉर द असर्शन एंड रीजन आर गिवन बिलो द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, ए कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर ठीक है, बी कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ठीक है, ए तो ट्रू है ना, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्या लिखा है, ऑप्शन डी, ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है। एट्थ क्वेश्चन एनालॉजी का है, हैन चिक फ्रॉग, देखो हैन चिक छोटा रूप उसका है ना, चिक छोटू सा है, फ्रॉग टेडपोल होगा, ऑप्शन ए, तो एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाइन्थ देख लेते हैं, चूज द नेसेसरी फॉर द गिवन, ये बहुत कॉमेडी वाला क्वेश्चन था, मतलब मजा आएगी, पहले आप खुद से आंसर सोचना, चूज द नेसेसरी फॉर द गिवन वर्ड, स्विमिंग, स्विमिंग के लिए नेसेसरी क्या है, लाइफ जैकेट है, सूट है, पूल है कि वाटर है, फिर पानी के बिना कहाँ स्विमिंग कर लोगे, तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे सीमेट 2019 का हमने पूरा क्वांट कवर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, और 2019 की लॉजिकल रीजनिंग पूरी कवर हो गई इस क्वेश्चन के साथ ही, डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख लेना, या प्लेलिस्ट में सीमेट प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें भी आपको मिल जाएगी ठीक है। इनकेस कोई लिंक ना मिले आपको तो कमेंट पे आप लोग कमेंट कर देना, वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ठीक है। ये सब ऊपर का जो दिया है नॉर्मली, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, टाइम अगर कम पढ़ रहा हो, टाइम ज़्यादा हो तो पूरा पढ़ लो, सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे आओ, P डिवाइडेड बाय R, तो ये D पॉइंट में दिख रहा है, यानी A इज डॉटर ऑफ B, यानी P इज डॉटर ऑफ R, R का भी मुझे सेक्स नहीं पता, मेल की फीमेल, लेकिन P का पता चल गया कि ये फीमेल होंगी क्योंकि डॉटर है। R प्लस S, प्लस वाला क्या था, A इज फादर ऑफ B, मतलब R इज फादर ऑफ S, R यानी यहाँ से पता चल गया मेल किसका, एस और पी दोनों के ही हो जाएगा ठीक है, लेकिन एस के बारे में भी नहीं बता सकता मेल की फीमेल। अगला एस प्लस क्यू, एस इज फादर ऑफ क्यू, मतलब एस भी क्या होगा, मेल किसका,
क्यू का, क्यू के बारे में अभी मैं नहीं बता सकता, मेल की फीमेल। अब पढ़ लो, और ये जो एस ओ पी हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। एस ओ पी क्या हो जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर, आर इन दोनों के फादर और क्यू के ग्रैंडफादर, ठीक। अब पढ़ लेते, क्यू इज आंट ऑफ पी, हो ही नहीं सकती, पी इज आंट ऑफ क्यू, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे पढ़ लो, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, हो ही नहीं सकता, पी इज मदर ऑफ क्यू, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी और एस क्या थे, ब्रदर और सिस्टर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेंथ का ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप लोग सीमेट 300 लेना चाहते हो, डेफिनेटली ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो सीमेट 300 का कोर्स आप ले लो, आपके परसेंटाइल बहुत इंक्रीज हो जाएंगे अभी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बता ही दिया था, अब करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। 1500 इसकी फीस है, ठीक है। आप इसमें जो ट्रांसफ़र के मोड हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र के, वो मैं बता देता हूँ। या तो आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, SBI का अकाउंट है, ठीक है, या आप गूगल पे के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। गूगल पे की जो ID है वो है Anshu2206@OKSBI, या आप भीम ऐप के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। भीम ऐप की जो ID है वो है Anshu2206@UPI। स्क्रीन पे आपको QR कोड दिख रहा होगा, वो स्कैन करके भी पे कर सकते हो, या आप पेटीएम के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। पेटीएम का कोड भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारा सीमेट 300 का कोर्स परचेस कर लेंगे, उनको अपार्ट फ्रॉम दिस 300 क्वेश्चंस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे GK के, जो कि आपको 20 जनवरी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियोज में कोई भी डाउट आएगा, तो आप लोग doubts@thecreatorsworld.com पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। क्वेरी जो भी आपकी होगी विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। प्लस जैसे ही आप लोग पेमेंट कर दो, तो दो चीज़ों का आप ध्यान रखना, आप तुरंत एक स्क्रीनशॉट या ट्रांजेक्शन डिटेल्स support@thecreatorsworld.com पे सेंड कीजिएगा। पेमेंट कन्फर्मेशन होते ही विद इन 1 or 2 आवर्स आपको पूरी की पूरी लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज, कि आप हमारे जो भी वीडियोस हैं वो आप अपनी जीमेल आईडी से ही देख पाओगे, ठीक है, उसके अलावा किसी आईडी से नहीं देख पाओगे, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।